चाहता हूँ, बट योर वीरभद्र डज नॉट वॉन्ट, आपके वीरभद्र नहीं चाहते, वॉट कैन आई डू, टॉक टू हिम, टॉक टू हिम. मैंने कहा नीदर वीरभद्र विल बी देयर नॉर यू विल बी देयर, बट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज विल कम, यू रिमेंबर दिस. और बाली साहब टेक्निकल मिनिस्टर बन गए, यहां से उठा करके नगरोटा ले गए, क्लासें वहां शुरू कर दी. मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? देखो जब हम कमजोर होते हैं तो कोई भी हमारा गिरेबान में हाथ डाल देता है. याद रखो ये, मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, कई बार मेरे से लोग पूछते हैं निंजो क्या मिले, अमीजो क्या मिले, मैं सबको बोलता हूं ये जमीनों की कीमत ऐसी बढ़ रही है क्या, ये दो दो मिनट में आप जगह पर पहुंच रहे ऐसी हो रहा है क्या, ये सबके घरों में बाथरूम हो गया और बाथरूम में 24 घंटे पानी आ गया, ये ऐसी हो गया क्या, बावड़ियों की तरफ दौड़ते थे दो दो किलोमीटर जाकर के एक एक घैला पानी लाते थे तो गर्मी गुजरती थी, वो भी हमने देखा. लेकिन हक को बचाने के लिए जब चुनाव का समय आए तो ध्यान रखो कि आपको किस चीज पर ध्यान रखना है. ये बंदला, क्या ये सच्चाई नहीं है कि बंदला में रिश्ता नहीं देते थे लोग, पोखर का पानी पीते थे, आज वहां 60 लाख लीटर प्रतिदिन बंदला में पानी आता है, इस बात को हमको समझना है. कोल डैम, कड़ाई डैम उसको बोलते थे, 40 साल से पूरा कोल डैम का काम नहीं चला, अटल जी आए तो उन्होंने चलाया और उसके बाद उसका काम शुरू हुआ. मैं अभी आपके सामने बता रहा था कि 2017 तक हमको कोल डैम नहीं, हमको हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला. बाद में मैं मंत्री बना, प्रेम कुमार धूमल जी की, जयराम जी की सरकार आई और ऊपर मोदी जी की सरकार आई, तो फिर से दिल्ली में बैठ के MOU दिया गया और फिर पैसे दिए गए और फिर 1.5-2 सालों के अंदर ये बंदला का ताज बनकर के खड़ा हुआ आज हाइड्रो इंजीनियरिंग. आज ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आज वो बिलासपुर को हिमाचल के नक्शे पर ही नहीं, पंजाब जम्मू तक का नक्शे पर स्वास्थ्य की दृष्टि से खड़ा कर रहा है. अब PGI नहीं जाना पड़ेगा, अब हमारा इलाज यहीं पर होगा, उत्तम इलाज होगा, इस बात को भी हमको समझना चाहिए. ये मुद्दे हैं, ये मंदिर, ये डूबे हुए मंदिर, कोई नहीं पूछा, आज इनको निकाला जा रहा है, निकाल करके इसको सजाया जाएगा, सतलज पर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, सतलज पर इसको सजा करके टूरिस्ट स्पॉट बनेगा. 1400 करोड़ रुपीज खर्च होंगे, 1400 करोड़ रुपए, और इसमें से आमदनी होगी, आमदनी के लिए टूरिज्म स्पॉट बनेगा, इस तरीके की बातों को आगे बढ़ाया जाए. मैं 2 दिनों के अंदर ये भजवानी पुल का 103 करोड़ रुपए का सैंक्शन लेकर के आया, ये है सरकार, एक 2 दिनों के अंदर सैंक्शन है. ये लक्ष्मी और सत्ता और ये दुर्गा ऐसे नहीं टिकती, टिकाने वाले में भी दम चाहिए. और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 12 तारीख के दम को समझिए, मैं आपके वोट की बात नहीं कर रहा हूं, आपका वोट तो आएगा ही, भीत में बैठ के आप मुझे सुन रहे हैं, आप पार्टी को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, लेकिन गांव में कोई भी व्यक्ति न रह जाए जो कमल पर मोहर न लगाए, इस यज्ञ में अपनी आहुति न दे, इस बात को, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गांव के लोगों को समझाइए, सब लोगों को बताइए, और ये हमारी परीक्षा जिसको हमको समझना पड़ेगा. ये 4 लेन जाकर के उधर खड़े होकर के देखिए, स्विट्जरलैंड की तस्वीर आप फोटो खींच करके लिख दो ब्यूटीफुल स्विट्जरलैंड, कोई नहीं समझेगा कि ये बिलासपुर की तस्वीर है, ऐसी इतनी इस तरीके से दिखने वाली तस्वीर. मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन स्विट्जरलैंड जैसा दिखने की परिस्थिति आई, 30 मिनट के अंदर आप गरमोड़ा हो गए, कभी सोचा था कि इस तरीके से हम चलेंगे, नॉन स्टॉप एकदम फिसलती हुई गाड़ी जा रही है, इस तरीके की सड़कें बनी है. और ये फरवरी में उन्होंने कहा था कि कर देंगे पूरा टनल, हमने कहा जनवरी तक कर दो और इसको हम उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराएंगे, इस बात को भी हमने कहा. तो हमारा प्रयास है कि हम किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें. ये मेडिकल अपना हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर यहां दिया, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर यहां पर दिया, आगे विकास के लिए अभी जयराम जी आए थे, लगभग वो 26 करोड़ रुपए के नहीं 66 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करके गए. मैं लगभग 150 करोड़ रुपए का, 210 करोड़ का के उद्घाटन, ये आंकड़े भी नहीं याद रहते, 210 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन करके गया हूं. मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं
कि हमको समझना पड़ेगा कि सरकार किस लिए होती है और सरकार के लिए किसको समर्थन देना किसको समर्थन नहीं देना। ये डिफेंस के लिए आप बताइए ये अटल टनल महत्वपूर्ण था कि नहीं था। 2003 में अटल जी इसका शिलान्यास, 2002 में अटल जी इसका शिलान्यास करके गए। सोनिया गांधी जी की 10 साल यूपीए की सरकार रही, 1300 मीटर बनी, और जब बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई तो 3 साल के अंदर 10 किलोमीटर का टनल खोद करके और अटल टनल के नाम से वह विकास की एक नई कहानी लिख दी और लाहौल स्पीति ले लद्दाख सीधा जुड़ गया। मैं चाहूंगा कि आप कभी इसको जाके देखें, इस टनल को डबल है, ऊपर रोड है, टनल है और नीचे से इमरजेंसी एग्जिट भी है। हर तरीके से उसको मोस्ट मॉडर्न टनल बनाया गया, डिफेंस के पर्पजेज से बना। इतना फर्क, इतनी सारी चीजें हुई हैं। इसलिए मित्रों, यहां की भी अगर मैं बात करूं विकास के दृष्टि से, जयराम ठाकुर जी ने 5 साल के अंदर 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाई है, 6000 किलोमीटर। कोई छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना। गांव गांव को सड़क से जोड़ा है। यहां अगर कोई सड़क रह गई होगी तो झगड़े के कारण रही होगी, अदरवाइज कोई भी गांव नहीं रहा जहां सड़क नहीं पहुंची है, उसका प्रयास हुआ है, उसको पूरा किया है। तो ये सारे विकास की कहानी आपके सामने मैं बता रहा हूं। और अभी इन्होंने एक बात के जिक्र किया, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने अपनी रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हां मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब कोई व्यक्ति सत्ता पर बैठ जाता है और कानून का भक्षण शुरू हो जाता है तो याद रखिएगा समाज असुरक्षित हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर नड्डा एमएलए बनता है और नियम कानून को ताक पर रख करके भक्षण करता है तो जनता असुरक्षित होती है, और अगर नियम कानून को संभाल करके रखता है, उसकी रक्षा करता है तो जनता सुरक्षित होगी। इस बात पर आपको समझना। मैं इससे ज्यादा किसी के प्रति इंगित नहीं करूंगा, लेकिन मैंने वो राज भी देखे हैं, वो भी हमने समय देखा है। कानून की सरेआम भजियां उड़ती रही और लोग देखते रहे, लाचार होकर के देखते रहे, पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया, दम ननाते रहे। क्या ऐसा राज चाहते हैं आप यहां पर? ऐसा चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे खराब हो? क्या चाहते हैं कि आगे की भविष्य की पीढ़ियां नुकसान में पड़े? अगर नहीं चाहते हैं तो 12 तारीख को हक अदा करना पड़ेगा, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, कड़ी धूप हुई है आपको बैठ करके, और वो भी सूरज की तरफ देख करके आपको मुझे देखना पड़ रहा है। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी उधर बैठने वाले में से हूं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक निवेदन करने आया हूं। यह हिमाचल के प्रतिष्ठा का सवाल है, यह हिमाचल के विकास का सवाल है, यह किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है। ये मोदी जी ने जो आशीर्वाद दिया है, जिसको धरती पर उतारा जा रहा है, उसको पूरा करने का समय है। अगर अटल टनल 10 साल के लिए रुक जाती है तो देश का नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान होता है। अगर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 5 साल तक रुक जाता है तो देश का नुकसान होता है। अगर कोल डैम का पानी पूरे 5 साल तक रुक जाता है तो बिलासपुर का नुकसान होता है। इसको हमको समझना होगा और अपने नुकसान से हमको बचना है, हमको आगे बढ़ना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, त्रिलोक जम्वाल जी को आप समर्थन दें। मैं त्रिलोक जी के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन त्रिलोक जी एक बहुत ही कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता रहे, कर्मठ। जो काम इनको दिया इन्होंने ईमानदारी से उसको किया, जो काम और जहां जहां भेजा इन्होंने ईमानदारी से काम किया। और आप जानते हैं मेरे बारे में, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं कभी गुटबाजी नहीं करता, मैं कभी पराया अपना नहीं करता हूं, जो उचित होता है वही करता हूं, इसको हमको ध्यान रखना है। इसलिए इनको प्रत्याशी के रूप में लाया हूं। कुछ लोग कहते हैं कि देखा नहीं, तो आपने मुझे भी नहीं देखा था, लेकिन आपने मुझे परखा, जांचा, आज आपको मेरे कहने पर इनको आप समर्थन दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे का पूरा सोना निकलेगा, इसको आप समझ लीजिए।
24 कैरेट सोना निकलेगा, ये मैं आपको बताने चाहता हूं। इसलिए इनको आप समर्थन दीजिए। और मैं फिर कहता हूं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी है, और पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। आज मैं वोट आपको न व्यक्ति के लिए मांग रहा हूं, न पार्टी के लिए मांग रहा हूं, मैं प्रदेश के लिए मांग रहा हूं, मैं देश के लिए मांग रहा हूं। और इसीलिए अब मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सी बातें कह सकता हूं। मेरे से पत्रकारों ने पूछा, ये कांग्रेस पार्टी, इनका हाल देखो, भारत जोड़ों में निकले, पार्टी जोड़नी नहीं, भारत जोड़ों में चले, अच्छी बात है। क्या राहुल गांधी यही राहुल गांधी है ना? जब जेएनयू में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये अफजल कौन था? पार्लियामेंट में अटैक करने का मास्टरमाइंड था। और कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज, भारत का राष्ट्रपति उस समय का प्रणब मुखर्जी, ये कातिल हो गए। और आप जेएनयू में जाकर के इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप खड़े हो गए, और वहां नारे क्या लगे? भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके साथ तुम खड़े हो गए। और अब भारत जोड़ो यात्रा पर चले हो, ये है तुम्हारी जोड़ने की यात्रा। और ऐसे है तेरे स्वतंत्रता सेनानी, ये है आपके, आपके आपकी फौज, इस तरीके के लोग प्रत्याशी बनकर के आएंगे। आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? आप कोई भी विकास का विषय उठाएंगे, उसके पीछे आपको कमल का निशान दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। इसलिए मित्रों, मैं फिर कहूंगा, त्रिलोक जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, इनको जिताइए, लेकिन वोट कमल के फूल पर देश के लिए, प्रदेश के लिए आप दीजिए, यही आपसे मेरा निवेदन है। और सभी गांवों में सबको बताएं, यही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नड्डा जी ने। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश और देश की भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो देश के प्रति माइक पर रखा है, बिलासपुर के प्रति जो नीतियां अपनाई, अरे उसको बोल दो ना, संक्षेप में वर्णित किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, ये जो 24 ग्रेड का सोना नदौन वालों की आवाज को क्या हो गया है, ऐसे बोलेंगे क्या?